दादाजी जिला निर्वाचन अधिकारी की फोटो छाप देना, थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊँ। हाँ लगे तैयार है अपन, यार अपन कब बनाने लगे हैं, नहीं इशारा होना चाहिए बस खाली। क्या फोटो है इधर, बन जाओ फोन, बन जाओ क्योंकि उसकी फोटो कैसे दे आरती डोंगरा जी की, सुभाष उद्यान की। आगे दिखा दो फ्रेंड, दिखा दो उदयपुर वाली छापो मेन को, उदयपुर है ये गोपी लाई है, गोपी नाम से है। अजमेर उत्तर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं श्री वासुदेव देवनानी जी, जो शिक्षा राज्य मंत्री रहे हैं और बार 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 आचार संहिता के उल्लंघन के मामले उनके सामने प्रकाश में आ रहे हैं। अब तो उन्होंने हद ही कर दी है इस मामले के अंदर। मजबूत इरादे पूरे हुए वादे नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की गई है, उस पुस्तक के अंदर इतनी हद कर दी कि उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय की खुद की फ़ोटो छाप दी। अब जनता सवाल करना चाहती है कि मित्रों, जब जिला निर्वाचन अधिकारी की फ़ोटो क्या भारतीय जनता पार्टी की किताब में छापी जा सकती है, क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद उनसे की जा सकती है? इस तरह से फोटो प्रकाशित उनकी अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं करी जा सकती है, और निश्चित रूप से उन्होंने अनुमति इसके लिए प्रदान नहीं की होगी। और ये आचार संहिता का घोर उल्लंघन का मामला है, क्योंकि इसमें अमित शाह जी की फ़ोटो भी छपी हुई है, नरेंद्र मोदी जी की भी फ़ोटो छपी हुई है, वसुंधरा राजे जी की भी छपी हुई है, और देवनानी जी की खुद की भी छपी हुई है। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात है, उस पर कमल के फूल का निशान है जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इस पुस्तक में देखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो है जिला निर्वाचन अधिकारी की फ़ोटो छापना एक गंभीर निर्वाचन अपराध है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 16/10/2018 को आचार संहिता लागू हुई थी। आचार संहिता लागू होने के पश्चात सुभाष उद्यान का उद्घाटन 2:30 बजे हुआ था उसी दिन, और 3 बजे आचार संहिता लग गई थी, और उसकी फ़ोटो, सुभाष उद्यान की फ़ोटो भी उसमें प्रकाशित हो गई। और सबसे बड़ी बात है, किताब प्रकाशित हुई है उदयपुर से, ये एक पायोराइट प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यानी आधे घंटे के अंदर फोटो सुभाष उद्यान की उदयपुर में भी पहुंच गई और उदयपुर से प्रकाशित हो गई। और सबसे बड़ी बात है, इसमें मुद्रक का पता नहीं लिखा हुआ है, इस किताब की कीमत नहीं लिखी हुई है, प्रकाशक का नाम नहीं लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें आचार संहिता के घोर उल्लंघन के मामले में आता है, और जहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी की फ़ोटो छपी हो ये मामला बहुत अत्यंत गंभीर और संगीन हो जाता है। इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और जो है IPC की धाराओं के तहत इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं तो सत्ताधारी दल जिस प्रकार दुरुपयोग कर रहा है, बार बार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, अत्यंत गंभीर मामला।